थाना हसनपुर क्षेत्र के गांव डोमखेड़ा में दबंगों ने घर में घुसकर युवक की गोली मारकर की हत्या। क्षेत्र में सनसनी। जनपद अमरोहा के थाना हसनपुर क्षेत्र के गांव डोमखेड़ा के चार युवकों ने घर में घुसकर युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर परिवार को धमकाकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने गांव के ही चार लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने चार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने में लगी है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के थाना हसनपुर के गांव डोमखेड़ा का है, जहां पर आज से 7 दिन पूर्व ओम प्रकाश के बेटे का गांव के ही होराम चौहान व लाला चौहान से किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था, जिसकी सूचना हसनपुर कोतवाली को दी थी, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही की, जिसके बाद आज रात्रि को ओम प्रकाश के घर में घुसकर गांव के ही चार लोगों ने बेटे की गोली मारकर हत्या कर धमकाते हुए फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। क्या नाम है आपका? तो बताइए क्या घटना है जो आपके बेटे को गोली मारी है? पूरा मामला क्या है? सब मंदिर की पूजा को लेकर जो है विवाद हुआ था 31 तारीख में। उसने वो मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा था? पता नहीं, वही जाने इस बात को साहब, हमें तो आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ। कौन लोग हैं जो मना कर रहे थे पूजा? चौहान लोग हैं। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मार पिटाई करी, उनके साथ चमार चट्टे कहा है। फिर उसके बाद आगे हैं वो बचा दिया लोगों ने एक दो ना। अच्छा, जिन लोगों ने गोली मारी है उनके क्या क्या नाम है? उनका लाला है, जसवीर है, रोशन है, और क्या नाम है, होराम है। किस जाति के लोग हैं? चौहान। तो जब आपका वो 31 तारीख को झगड़ा हुआ था, आपने पुलिस में तहरीर दी थी? जी। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? क्या क्या ऐसा नहीं है, तुम सही बताओ और सही बताओ, यही बात जी, सही बताओ। हमने कहा हम सही क्या बताएं, हम जो सही है वो बता दिया। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। पुलिस हथियारों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दबिश देने की कार्यवाही में लगी। थाना हसनपुर में रात्रि में एक युवक की सोते हुए गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पर परिजनों की तहरीर पर एक ही परिवार के चार अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर जांच कर इसमें गिरफ्तारी की जा रही है। फिलहाल जो युवक की बॉडी है उसको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुकदमा दर्ज कर लिया है, इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है।